सूडे सेहतमंद बनाए नेचुरली। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे, कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद ने दो टोक कह दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास, किसी को इस्लामाबाद पर यलगार की इजाजत न देने पर इत्तफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, साइफर के मामले पर आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत। हुक्मरान इत्तेहाद के मुताबिक इमरान खान इक्तदार की हवस में पागल हो चुका। रियासती इदारों को हदफ बनाना अफसोसनाक है। एक और अहम मामला, एक और यू टर्न। पीटीआई के अहम रहनुमा इस्तीफों से मुकर गए। 124 सरकार के इज्तवाई इस्तीफों को सियासी चाल करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। सालार का बड़ा बयान, मुद्दत पूरी होने पर ओहदा छोड़ने का ऐलान। वॉशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में गैर रस्मी गुफ्तगु, कहा फौज खुद को सियासत से दूर कर चुकी, दूर ही रहना चाहती है। आर्मी चीफ का तकरर मेरिट पर होना चाहिए, कोई भी आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगु, बोले साइफर चोरी नहीं हुआ, मास्टर कॉपी दफ्तर खारिजा में होती है। शुक्र है इन्होंने साइफर को तस्लीम तो किया। इंतजार नहीं हो रहा, कब तैयारा उतरे और वालिद से मिलूं। मरियम नवाज ने पासपोर्ट मिलते ही वालिद से मिलने के लिए लंदन उड़ान भर ली। आज रात दोहा में कयाम करेंगी, कल बेटे चुनेद के हमरा लंदन रवाना होंगी। नवाज शरीफ का इलाज जारी है, उनके आते ही केसेस हवा में उड़ जाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगु, बोले ता हयात ना अहली के मामले को पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे, इस बार इस्लामाबाद में किसी को डेरा नहीं डालने देंगे।